इस्लाम टीवी का बहुत शुक्रिया, उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में हमारे साथ साथ रहे, हमें कवरेज दी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है पूरे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे पंजाब में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे सामने आई है। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का लाहौर किला है और ख़ासकर जो शमाली लाहौर है जिसमें मियां हमजा शहबाज़ और शेर शमाली और मियां मुश्तबा शुजा रहमान इलेक्शन लड़ते हैं। जनाब अल्लाह ताला का शुक्र है, हक सच का फैसला हुआ है, अल्लाह ताला ने हमारी मुस्लिम लीग नून शेर को कामयाबी अता कर की है जी। हमारे दिल की धड़कन नवाज शरीफ, दूजी हमारी दिल की धड़कन हमजा साहब, दिल की धड़कन हमारे मियां मुश्तबा शुजा रहमान साहब। जी ये अल्लाह का फजल करम है कि ये गढ़ है 118 मियां नवाज शरीफ का, मुस्लिम नून का गढ़ है ये। 118 के अवाम की मोहब्बत है, प्यार है, जिन्होंने मियां हमदा शहबाज शरीफ साहब, मियां मुश्तबा शुजा रहमान साहब को भरपूर वोट डाले। जिस तरह यानी मियां साहब ने लोगों की खिदमत की है, काम की है, अल्लाह ताला ने उसी तरह उन्हें कामयाबी दी है। आओ दिल से संभालो, ये मुल्क बचा लो, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकालो, मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो, ये मुल्क बचा लो। जब काम का वक्त कराया, दिल में एक नाम तेरा आया, जब काम का वक्त कराया, दिल में एक नाम तेरा आया, बस मुखलिस एक तुझे पाया। आओ फिर से संभालो, ये मुल्क बचा लो, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से। मियां मुश्तबा शुजा रहमान MPA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PP 148 के मरकजी ऑफिस में मुस्लिम लीग नून की पूरे पाकिस्तान में कामयाबी की खुशी में जश्न मनाया गया। मरकजी ऑफिस पहुंचने पर मियां मुश्तबा शुजा रहमान बैंड बाजे की धुन में घोड़ों पर बैठाकर माला और गले में हार पहनाकर नोटों की बरसात करके शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स की हजारों की तादाद में शिरकत, जबकि खवातीन की भी बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी, मिठाइयां तकसीम की गई और खाने का वसी इंतजाम किया गया था। इस मौके पर निजाम टीवी से गुफ्तगू करते हुए मियां मुश्तबा शुजा रहमान ने कहा कि इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब और मरकज में हुकूमत बनाएगी। मियां मुश्तबा शुजा रहमान का और दीगर का क्या कहना था, आइए आपको भी सुनाते हैं। हम अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला ने बहुत मेहरबानी की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है पूरे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे पंजाब में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे सामने आई है। और अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला वफाक में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनेगी, पंजाब में भी इंशाल्लाह हुकूमत बनेगी, बलोचिस्तान में भी इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग। नवाज शरीफ साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब और हमजा साहब और मरियम बीबी की क्यादत में इंशाल्लाह ताला इस मुल्क और कौम की खिदमत करेंगे और खुसूसन अपने शुमाली लाहौर को इंशाल्लाह ताला मिसाली लाहौर बनाएंगे। और मैं शुमाली लाहौर के अपने भाइयों का, बहनों का, नौजवानों का, बुज़ुर्गों का, बेटों का, बेटियों का दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस एतमाद का इजहार उन्होंने अपने भाई, अपने बेटे, अपने बुजुर्ग पे किया, इंशाल्लाह ताला मैं उनके एतमाद पे पूरा उतरूंगा और उन सबको साथ लेके चलूंगा। निजाम टीवी का बहुत शुक्रिया, उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में हमारे साथ साथ रहे, हमें कवरेज दी जहाँ पूरे लाहौर में और जहाँ जहाँ निजाम टीवी नज़र आता है, देखते हैं लोग, उसके व्यूअर हैं। निजाम टीवी एक अच्छा इजाफा है यहाँ पे और मैं निजाम टीवी को भी बहुत ज़्यादा खराज तहसीन पेश करता हूँ और मुबारक देता हूँ जिस तरह उन्होंने हमारे साथ साथ और फ्री एंड फेयर इलेक्शन में अपनी कवरेज की। निजाम टीवी जिंदाबाद। देखिए ये इलेक्शन की हमने तैयारियाँ हमेशा रखी हैं। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का लाहौर किला है और ख़ासकर जो शमाली लाहौर है जिसमें मियां हमजा शहबाज़ और शेर शमाली और मियां मुश्तबा शुजा रहमान इलेक्शन लड़ते हैं, ये हमेशा के लिए MP और MNA हैं। मियां मुश्तबा से और मियां हमजा साहब से जो
पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बब्बर शेर हैं, इनसे हमारी पब्लिक जो है ना वो दिल और जान से प्यार करती है, इनको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इनको ये महसूस होता है कि जब मियाँ नवाज शरीफ के ये बब्बर शेर, मियाँ हमजा शहबाज और मियाँ मुश्तबा शुजा रहमान अपने इलाका में, अपने शमाली लाहौर में, अपने लोगों में, अपने घर में, अपने अपनों में जाते हैं, तो फिर इनको भी सुकून मिलता है और पब्लिक को भी। मेराज भट्टी साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, आज शायाने शान तरीके से मुस्लिम लीग नून की कामयाबी का जश्न मनाया गया है। मेराज दिन भट्टी साहब मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अल्लाह ताला का शुक्र है, हक सच का फैसला हुआ, अल्लाह ताला ने हमारी मुस्लिम लीग नून शेर को कामयाबी अता कर की है, और हमारा जो शेर है नवाज शरीफ साहब वो हमेशा जब भी इकदार में आए हैं इंशाल्लाह कारोबार भी लोगों का सेट हुआ है। आज भी हमारे कायद मुश्तबा शुजा रहमान ने यह कहा है कि जो भी मेरा मजा अल्लाह ताला ने हम पे रहमत किया और हमने लोगों की खिदमत करनी है, और इंशाल्लाह उन्होंने कहा कि बढ़ चढ़ के खिदमत करें, मैं आपके साथ हूँ हर जगह पर, जहाँ पर आप मुझे बुलाएँगे, जिस जगह पर बुलाएँगे, जो भी काम है मैं आपके साथ जोड़ा शाना बशाना चलूँगा, तो उनकी कायद की मेहरबानी है और अल्लाह ताला का करम है। इंशाल्लाह हमारे जो सब सीनियर रहनुमा खड़े हैं, ये सब लोगों ने इंशाल्लाह बढ़ चढ़ के जोश और जज्बे से अपना वोट डलवाए हैं, लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया है, तो इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। हम लोगों के काम करते हैं, हम बातें नहीं करते, हम अमन वाले लोग हैं और अमन का पैगाम देते हैं सबको कि जो भी है मेरा मतलब जो इकदार में आया सब अपन से एक दूसरे भाई सारे चारे से मिलके काम करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा नईम मुगल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर ये बताइएगा कि आज मुस्लिम लीग नून की कामयाबी यकीनी बनी है, वफाक पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान में शेर धारता दिखाई देता है, आज हज़ारों रुपए आपकी जानिब से कायदीन की मोहब्बत में निछावर किए गए हैं, क्या पैगाम है? जी हमारे दिल की धड़कन नवाज शरीफ, दूजे हमारे दिल की धड़कन हमजा साहब, दिल की धड़कन हमारे मियाँ मुश्तबा शुजा रहमान साहब, इनके लिए हमारे मोहब्बत जितनी कर दें ना उतनी थोड़ी है, जितनी जद कर दें ना वो जितनी भी कर दें वो भी कम है। ये ऐसा दरवेश आदमी है भी हमारे लोगों का काम जो आता है ना, जो इसने लोगों के लिए कर दिया अल्लाह जानता है, ये अल्लाह पाक बेहतर समझता है, उसका जिला सिला जो ना अल्लाह पाक देता है, ये मतलब इलाके के लिए बेहतरी का एक दरवेश आदमी हमें मिला, और अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी और तंदुरुस्ती ता फरमाए, और इंशाअल्लाह ताला पंजाब में भी और रफाक में भी हमारी हुकूमत बनेगी इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह के फजल करम के साथ। शुक्रिया। और यकीनन ये इस हलके ने साबित किया है शुमाली लाहौर ने कि मुस्लिम लीग नून का हर बार घर रहा है, इस इलेक्शन में भी जितनी अक्सरियत से मुस्लिम लीग नून जीती, अहलिया ने शुमाली लाहौर के नाम क्या पैगाम? शुमाली लाहौर को सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद पहुँचती है, और माशाल्लाह जितना अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दिए हमजा साहब को, मियाँ साहब को, हमें, हमारे लीडर को, अल्लाह पाक की बड़ी रहमत है, अल्लाह पाक के बेहतरी करे और इंशाल्लाह ताला आगे बेहतरी चले। कहिए ये अल्लाह का फजल करम है कि ये गढ़ है 118 मियाँ नवाज शरीफ का मुसलमान का गढ़ है, ये सूबाई में भी कामयाब हो गए हैं, कौमी में भी कामयाब हो गए हैं, आइंदा इंशाल्लाह अगले 2-3 दिन तक पता चल जाएगा कि इंशाल्लाह वज़ीर अल्लाह कौन आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सब तो पहले तो हम अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से हमें इज़्ज़त बख्शी, और उसके बाद ये NA 118 के अवाम के मोहब्बत है, प्यार है, जिन्होंने मियाँ हमदा शहबाज शरीफ साहब, मियाँ मुश्तबा शुजा रहमान साहब को भरपूर वोट डाले, और उसकी वजह से अल्लाह पाक ने हमें ये इज़्ज़त बख्शी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी हम वफाक में भी इंशाल्लाह अपनी गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, जैसा कि कल मियाँ नवाशी साहब ने कहा कि ये अवाम सिर्फ और सिर्फ मियाँ नवाशी साहब की तरफ देख रही है कि वही आएंगे और मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं, और इंशाल्लाह पंजाब में भी हम लोग वाज़ेह अक्सरियत से हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है इस टाइम वफाक में भी और पंजाब में भी, इंशाल्लाह हम फेडरल में भी अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे और पंजाब में भी इंशाल्लाह गवर्नमेंट बनाएंगे। जूसी 127 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वसीम खान साहब मौजूद हैं। जी इंशाल्लाह ताला जिस तरह यानी मियाँ साहब ने लोगों की खिदमत की है, काम की है, अल्लाह ताला ने उसी तरह उन्हें कामयाबी दी है, तो बात यह है कि मियाँ साहब हमारे एक बड़े अच्छे लीडर हैं और सब दोस्तों ने मिल के शाना बिशाना उनके साथ मेहनत की है, और आज अल्लाह ताला ने सुरखरू किया है उसके बदले में। और दूसरा पैगाम मैं लोगों को ये देना चाहता हूँ कि एक होती है हार, एक होती है जीत, कभी इंसान हारता भी है, कभी जीतता भी है, काफ़ी लोग जो इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं उन्हें हार बर्दाश्त करनी चाहिए,
तो ये इंतशार फैलाना और लोगों में उल्टी गलत बातें ये नहीं करनी चाहिए, ये इंसानियत के खिलाफ है। राबिया वेलफेयर अस्पताल, इलाज और मुआलजे की भरोसा मन जगा, जहां डॉक्टर्स अपनी खिदमात बेहतरीन तरीके से अंजाम दे रहे हैं। यहां हर बीमारी की तशखीस की जाती है। राबिया वेलफेयर अस्पताल, मजीद मालूमात के लिए हमारे कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें